नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में ऑक्सीजन की मांग 40% बढ़ी। होली को देख यात्रियों की बड़ी भीड़। 23,000 फीट की ऊंचाई पर हंगामा। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। शहर में ऑक्सीजन की मांग 40% बढ़ी। अस्पतालों में बेड की अनुपलब्धता के कारण मरीज घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं। शहर में कुल 9 निजी ऑक्सीजन प्लांट है। जब कोविड का असर कम था तो ये 8 से 12 घंटे ही चलते थे। अब पीक पर होने के कारण यह प्लांट 24 घंटे चल रहे हैं। इसके बाद भी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। घरों में रोज 400 से 500 सिलेंडरों की मांग है। घरों में रह रहे मरीजों के लिए भी छोटे ऑक्सीजन टैंक की मांग बढ़ गई है। घर में सामान्य दिनों में सिर्फ अस्थमेटिक मरीजों के लिए सिलेंडर जाते थे, अब दो कैटेगरी के बढ़ गई है। इसमें एक तो उन लोगों की मांग है जिन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, दूसरा डिस्चार्ज होने के बाद भी लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत रही है। इसमें जहां मरीजों को 50 से 100 सिलेंडरों की मांग थी, वहां 400 से 500 सिलेंडर रोज जा रहे हैं। तो वही दूसरी ओर होली को देख यात्रियों की बड़ी भीड़। होली त्योहार को देखते हुए पिछले दो दिन से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। शनिवार को शहर के गणेशपेट एसटी बस स्टैंड पर भीड़ उमड़ी पड़ी। गोंदिया व गढ़चिरौली जाने वाले की संख्या बहुत ज्यादा होने से एसटी महामंडल को गढ़चिरौली के लिए 10 व गोंदिया के लिए 20 से ज्यादा बसें चलानी पड़ी। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियां उड़ती रही, इससे संक्रमण फैलने का डर सता रहा है। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर भी दिल्ली, हावड़ा व मथुरा जाने वाली ट्रेनों से भीड़ दिखाई दी। शनिवार, रविवार व सोमवार को छुट्टी रहने से भारी संख्या में यात्री बाहर जाने के लिए निकले। बसों में लोगों ने सीट नहीं मिलने पर खड़े होकर सफर किया। तो वही तीसरी और 23,000 फीट की ऊंचाई पर हंगामा। नई दिल्ली से वाराणसी आ रही स्पाइस जेट के एक विमान में एक युवक ने अचानक इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। यह देखकर विमान में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। उस पर क्रू मेंबर्स ने अन्य यात्रियों की मदद से काबू पाया। वाराणसी में लैंडिंग होने पर उसे CISF के हवाले किया गया। बाद में पुलिस ने शांति भंग में उसका चालान किया। आरोपी को जमानत मिल गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए वह डिप्रेशन में था। दरअसल शनिवार को नई दिल्ली से स्पाइसेस गेट के विमान ने 2:22 पर वाराणसी के लिए उड़ान भरी। इस विमान में हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले गौरव खन्ना के अलावा उस वक्त 80 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार विमान आसमान में करीब 23,000 फीट ऊंचाई पर था। अचानक गौरव खन्ना अपनी सीट से उठा और इमरजेंसी गेट के करीब पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर अन्य यात्री घबरा गए और शोर मचाने लगे। आनन फानन में क्रू मेंबर व विमान में सवार कुछ यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।